तो आप उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं, क्या कुछ फीलिंग्स रहती है जैसे नया चैनल लॉन्च हो रहा है आप शो करने जा रहे हैं? मटेरियल चीज़ तो जब आती है तो मैं उसको खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। कुछ खिलौना आ जाए, कुछ कंप्यूटर आ जाता हूँ, बैठ के सारा दिन उसको फिक्स करता हूँ 8-9 घंटे, और फिर फेल हो जाता हूँ। जैसे नया फ़ोन आता है फिर पुराने फ़ोन से इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फेल हो जाता हूँ। बट नई चीज़ जब आती है यार, मैं एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत फील करता हूँ, और ऑफकोर्स मेरा काम है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक कि मैं कुछ नया करता रहा हूँ। तो एक जगह पर एक फिल्म बन रही है जो बहुत इससे बहुत जुदा है, बहुत अलहदा है, और वो चल रहा है वहाँ पर, एंड देन यू नो टू कम एंड डू दिस। और मुझे पब्लिक इंटरेक्शन की जो चीज़ें हैं वो करने का मौका कम मिलता है। मैं घर में सिर्फ वीकेंड को सैटरडे संडे आके लोगों को हाथ हिलाता हूँ, बट आई लाइक टू मीट पीपल। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एज एन एक्टर कि ये प्रोफेशन डिपेंडेंट है कि हम कितने लोगों से मिलके उनकी ज़िंदगी से सीखें और उसको अपनी फिल्मों में एक्टिंग के रूप में डालें। लेकिन इस प्रोफेशन में टाइम ही नहीं मिलता कि नॉर्मल लोगों से मिलें। वही लोग फिल्म के शूटिंग वाले, वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन क्या है, वही सारा दिन सेट पे वही 10-20 लोग जिनकी सारी ज़िंदगी जो है सिर्फ फिल्मों के बारे में है, रियल लाइफ से टच में नहीं रहती। सो आई लाइक टू कीप डूइंग दिस बिकॉज इट रिफ्रेशेस मी। तो जैसा ये है अब एन टीवी के ऊपर ही जो मुझे मौका मिला है, मुझे मालूम है जो भी लोग आएंगे दिन में, हम अगर 2 एपिसोड भी करें या 1 भी करें तो 4 या 6-8 लोगों से मिलूंगा, थोड़ा ऑडियंस से मिलूंगा, बट इट्स रियली नाइस टू बी एबल टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम।